आरएसएस द्वारा वृंदावन में पथ संचलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयं सेवक शामिल रहे। राष्ट्रीय स्वयं सेवकों ने गुरुवार को वृंदावन नगर भ्रमण कर पथ संचलन निकाला। ये पथ संचलन विजयदशमी पर्व पर निकाला जाना था, लेकिन बलदेव में 7 दिन के प्रशिक्षण वर्ग के कारण पथ संचलन का आयोजन शरद पूर्णिमा के अवसर पर किया गया। गुरुवार की शाम बड़ी संख्या में स्वयंसेवक नगर के गांधी पार्क में एकत्रित हुए, जहां कुछ देर सभी ने अभ्यास किया। कार्यक्रम में जिला प्रचारक मनोज, जिला कार्यवाह अरुण दीक्षित, सुशील पचौरी मुख्य रूप से मौजूद थे। इसके बाद हाथों में दंड लेकर स्वयंसेवक पथ संचलन को निकल पड़े। पथ संचलन की शुरुआत गांधी पार्क से हुई, जहां से अनाज मंडी, मथुरा दरवाजा, भारत सेवाश्रम, भैंसा गोदाम और गौरानगर चार संप्रदाय, हैज अस्पताल, अम्बेडकर पार्क, बस स्टैंड होते हुए पुनः गांधी पार्क पर इस संचलन का समापन हुआ। इस संबंध में जिला कार्यवाह अरुण दीक्षित ने जानकारी दी। वैसे तो हम विजयादशमी पर संचलन निकालते हैं, लेकिन इस बार हमारा 7 दिन का प्रशिक्षण वर्ग था, इस वजह से विजयादशमी पर संचलन नहीं निकला और ये तय किया कि शरद पूर्णिमा के दिन हम नगर का ये पथ संचलन कार्यक्रम निकालेंगे। कहाँ से कहाँ तक? ये अपना यहाँ गांधी पार्क से शुरू होगा और अनाज मंडी होते हुए चुंगी चौराहे से CFC चौराहे होते हुए मेन रोड पर आएगा, मथुरा वृंदावन रोड, उसके बाद गौरा नगर होते हुए चार संप्रदाय और हैजा अस्पताल से वापस आते हुए वापस इस स्थान पर वापस आएंगे।